अस्सलामुअलैकुम, होममेड विद आयशा में आप सबका स्वागत है। कैसे आप सब लोग? आज जो रेसिपी आपसे मैं शेयर करने वाली हूँ वो है खीर की। और ये खीर जो है ये मैं ब्रेड से रेडी करने वाली हूँ, तो ये बहुत ही टेस्टी भी बनती है और जल्दी भी रेडी हो जाएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अभी मैं अपनी रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। अब सबसे फर्स्ट स्टेप जो है हमारा ये ब्रेड की खीर बनाने का, तो उसके लिए यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 लीटर दूध ले लिया है और फ्लेम भी जो है वो मैंने मीडियम रखी हुई है। अब मैं इसको अच्छी तरह से बॉईल करने दूंगी। अच्छी तरह से बॉईल होना चाहिए, ये यहाँ तक है जितना दिख रहा भी पक कर और थोड़ा सा कम हो जाएगा तकरीबन। तो थोड़ा सा जैसे कम होने लग जाएगा थोड़ा सा एक थिकनेस आ जाएगा दूध में, तब हम आगे का स्टेप स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर ब्रेड के मैंने 4 स्लाइस लिए हैं और इनको मैं मिक्सर में अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँगी। और इसी को ग्राइंड करते वक्त मैं इसमें 3 इलायची के दाने भी डाल दूँगी। इसके ऊपर की स्किन निकाल के जो अंदर ब्लैक ब्लैक होता है वो मैं इसमें डालकर ग्राइंड कर लूँगी। इसमें मैंने 4 ब्रेड के स्लाइस लिए थे, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया। और इसी में मैंने 3 से 4 छोटी इलायची जो है उसके दाने भी डाले थे अंदर के निकाल के, उसकी ऊपर की स्किन जो है मैंने निकाल ली थी। और इस तरह मैंने दोनों को जो है ग्राइंड कर लिया, 4 स्लाइस और 3 इलायची के दाने। अब यहाँ पर दूध जो है वो अच्छी तरह से बॉईल हो गया था, तो जो मैंने ब्रेड पीसा था उसको मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं दूध पक के काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। अब मैं इसमें शक्कर ऐड करने जा रही हूँ। शक्कर जो है 2 लीटर दूध लिया है मैंने और काफ़ी पक के गाढ़ा हो गया, तो ये वाली 2 प्याली है, मैं इसमें 2 लीटर दूध की खीर बना रही हूँ। तो इसमें मैं ये ऐसी वाली 2 प्याली शक्कर इस्तेमाल कर रही हूँ। हम लोग थोड़ा मीडियम मीठा खाना पसंद करते हैं, अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप ऐसी और 1/2 प्याली ले लेना, बस उससे ज़्यादा मत लेना वरना बहुत ही ज़्यादा मीठी बन जाएगी तो मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए मैं यहाँ पर ऐसी 2 प्याली यूज़ कर रही हूँ। अब मैं इसमें इसकी 2 प्याली डाल दूँगी शक्कर। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पर मैं कस्टर्ड पाउडर का यूज़ कर रही हूँ, ये वाला ब्रांड मैं यूज़ कर रही हूँ, ये बाहर का है। मैं बताती हूँ कि मैं इसमें कितना ऐड कर रही हूँ। एक छोटी सी प्याली है उसमें मैं यहाँ पर 2 स्पून कस्टर्ड पाउडर ले रही हूँ। अब इसमें थोड़ा सा दूध डालकर मैं इसको अच्छी तरह से घोल लूँगी। अब मैंने कस्टर्ड पाउडर में थोड़ा सा सादा रूम टेम्परेचर वाला दूध डालकर उसको अच्छे से घोल लिया है, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट डाल देंगे तो इसके गट्टे पड़ने लग जाते हैं। तो इसके लिए इसको या तो पानी डालकर आप इसको घोल कर फिर डालें इसमें, या तो फिर थोड़ा रूम टेम्परेचर वाला दूध होगा तो वो ऐड करके घोल कर फिर डालें। अब नेक्स्ट स्टेप जो होगा ये खोआ है, यहाँ पर तकरीबन मैंने इतना लिया हुआ है, आप इतना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं इसके अंदर इसको डाल रही हूँ, अंदर आसानी से घुल जाएगा। बस अब हमको इसे कंटिन्यू हिलाते जाना है। आप चाहे तो खोए के छोटे छोटे टुकड़े करके भी डाल सकते हैं। ये फ्रीज़र का था एक्चुअली, मैं मुझे अभी याद आया है कि मैं खोआ भी ऐड कर लूँ, वरना पहले मेरा इरादा था कि सिर्फ कस्टर्ड ही डालूँगी। अब मैं इसमें ढूंढ रही हूँ जो मैंने खोया डाला था वो अच्छी तरह से गल गया है या नहीं, छूट गया है या नहीं। थोड़ा सा बाकी है तो इसको मैं अभी और थोड़ी देर पकने दूंगी। अब ये जो है खीर हमारी जो है वो डन हो गई है, पूरी तरह से रेडी हो गई। तो मैं फ्लेम ऑफ कर रही हूँ और इसको मैं साइड में रख दूंगी। अब यहाँ पर इस तरह का मेरे पास मिट्टी का ये एक छोटा सा बर्तन है, तो मैं इसमें डाल रही हूँ। और अगर आप चाहें तो किसी भी तरह के छोटे से प्याले वगैरह में डाल सकते हैं, क्योंकि ये खीर जो है ज़्यादातर हमारे घर में तो थोड़ी सी फ्रिज में रख के इसको ठंडा करके खाना पसंद करते हैं, इस तरह से गरम गरम नहीं खाते। तो मैं इसको अभी इसमें डालकर थोड़ा सा ऊपर गार्निशिंग के लिए यहाँ पर मैं ये ड्राई फ्रूट्स डालूँगी ऊपर, बादाम और काजू लिया है मैंने, आप चाहे तो पिस्ता वगैरह भी ले सकते हैं। और इसको मैं अभी फ्रिज में रख दूँगी थोड़ी देर के लिए सेट करने के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि खीर जो है हमारी रेडी हो गई है, मैंने इस तरह के मिट्टी के बर्तन में इसको डालकर फ्रिज में रखा था इसको थोड़ी देर के लिए। तो ये अब ये थोड़ी सी थिक हो गई है और ठंडी हो गई, तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, थोड़ा सा फिरनी टाइप वाला लुक आ जाता है, तो खाने में बहुत ही मज़ा आता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको घर में ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपकी खीर कैसी बनी और आपको ये रेसिपी पसंद आई है या नहीं। और घर में रहिए, सेफ़ रहिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।